बिलासपुर शहर के नामी सरकारी लेक व्यू कैफे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकारी होटल संचालक द्वारा होटल की लॉन्ड्री वॉशिंग का गंदा पानी सेफ्टी टैंक के बजाय सीधे गोविंद सागर में मिलाया जा रहा था, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औचक निरीक्षण किया और वहां पर ये खामियां पाई गई, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के अधिकारी ने लेक व्यू कैफे संचालक को नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। जानकारी देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी अतुल परमार ने बताया कि गोविंद सागर झील में किसी भी तरह से कोई गंदगी मिलाई जाती है तो विभाग की ओर से उक्त संचालकों को शुरुआती कार्रवाई में नोटिस पर दूसरे चरण में जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण करना एक कानूनी जुर्म है, जिसको लेकर विभाग समय समय पर होटलों सहित अन्य विभागों का औचक निरीक्षण करते आता है, अगर कोई भी खामियां पाई जाती हैं। अधिकारी ने बताया कि होटल संचालकों को होटल खोलने से पहले ही बतौर गाइडलाइन प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी की जाती है, जिसमें होटल से निकलने वाले हर वेस्ट की बतौर जानकारी दी जाती है। वहीं होटल संचालक को बतौर अपना एक सेफ्टी टैंक बनाने पड़ता है, जिसमें सारा वेस्ट रखना पड़ता है। परंतु बिलासपुर शहर का सबसे नामी व सरकारी होटल लेक व्यू कैफे इन नियमों की पालना नहीं कर रहा था, जिसके चलते शुरुआती कार्रवाई में होटल संचालक को बतौर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर ये फिर से इसमें सुधार नहीं लाते हैं तो फिर उक्त संचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के अधिकारी अतुल परमार ने बताया कि सरकारी होटल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 15 दिन के भीतर जवाब भी तलब किया गया है। देखिए, जैसा आपके माध्यम से हमारे को सूचना मिली थी कि एक ये टूरिज्म के होटल से कुछ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारी इमीडिएटली टेक्निकल ऑफिसर्स की टीम वहाँ पे गई थी और उस होटल की इंस्पेक्शन की गई है। हाँ, उसमें जो लॉन्ड्री वॉशिंग का पानी है उसका ओपन डिस्चार्ज पाया गया है, उसके लिए हमने शो कॉज नोटिस उनको जारी कर दिया गया है। उनको 15 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है और उसको ठीक करने के लिए भी कहा गया है। अगर कंप्लायंस टाइम बाउंड मैनर में हो जाती है तो ठीक है, अगर उसकी कंप्लायंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी तो जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो उनके अगेंस्ट इनिशिएट करेंगे।